मुकाबला। अब आप बोलोगे महामुकाबला क्या है? अरे इंडिया और पाकिस्तान का मैच, और साथ में ब्रेनबाजी में भी मैच होगा। सारे सवाल इंडिया और पाकिस्तान के मैच से होंगे, और यहाँ बारिश भी नहीं होगी। देखो फर्जीन दीदी कितनी सुंदर लग रही है, कल आप इन्हीं के साथ खेलोगे। ये दिन गेंद घुमाई और कल आप भी आ जाना गेंद घुमाने के लिए, और यहाँ पर प्राइज मनी में से अपना हिस्सा तो जीतोगे और फूड वाउचर भी जीतोगे डाइन आउट की तरफ से। और फिलहाल मेरे साथ क्या खेलोगे? बिंगो बाजी खेलोगे, क्योंकि मैं आ गई हूँ। हाय मैं हूँ तृप्ति, और मेरा हैशटैग है हैशटैग टीवीटी तृप्ति बहुत तेज। अब यहाँ पर मैं आपको खिलाने के लिए आई गई हूँ, तो सोच रही हूँ कि रूल्स भी बता दूँ। यहाँ आपको एक देखो टिकट दिख रही होगी, और हर टिकट में होंगे 15 नंबर्स। मैं आपके लिए 36 नंबर्स पढ़ूंगी, 1 से लेकर 90 तक। और अगर मैंने गलती से ऐसे ट्रिक यूज करके 91 बोल दिया तो चीटिंग होगी, आपको पहले से। और अगर मेरे बोले गए नंबर आपकी टिकट में हुए तो आपको करना है टैप, और अगर टैप करते करते आपकी कोई भी रो कंप्लीट हो जाती है तो आप रो ओनली का प्राइज मनी जीत सकते हो। टॉप रो ओनली, मिडिल रो ओनली, और बॉटम रो ओनली। और अगर आप करते करते रो भी आपकी कंप्लीट हो गई और सारे टिकट के नंबर हो गए सेलेक्ट, तो 25 रुपीज जीत सकते हो, क्योंकि वो होगा आपका फुल हाउस प्लस रो का प्राइज, जिसके आपको मिलेगा 25। अभी देखो एक गोलू आएगा, वो गोलू घूमेगा और फिर रुक जाएगा। अभी घूम रहा है। मैच में लगाएंगे कोहली भैया शॉट, नंबर है 40। देखना फिर हम जीत जाएंगे, और आप भी कल डाइन आउट के फूड वाउचर जीत सकते हो अगर आप यहाँ पर महा मुकाबला खेलने के लिए आओगे तो। और देखना कल कितना मजा आएगा। आप बोलोगे तृप्ति यार तूने कितनी अच्छी बात बता दी, कितनी अच्छी बात बता दी, और मेरे को पहले से पता है मेंशन नॉट। अभी ये रुक गया। दीदी ले जाए आज मुझे ऑन लॉन्ग ड्राइव नंबर 45। मैंने बोला दीदी मेरे पास टाइम नहीं है, सुनी नहीं रही है, रोने लग गई मेरे सामने, कह रही तृप्ति प्लीज। मैंने बोला दीदी आंसू पोंछ लो यार, इतनी भी मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, अच्छी हूँ, मेरा दिल साफ है। ओके चलेंगे डन। अभी देखो ऐसे रुकेगा। लाइब्रेरी के पास है शीतल मैडम का कैबिन, नंबर है 77। लाइब्रेरियन है पता है शीतल मैडम, और वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि वो मुझे बोलती है तृप्ति सो जा। लेकिन बंटी पता नहीं क्यों मेरे को बोलता रहता था कि तू शोर मचाती है इसीलिए मैडम बोलती है सोने को तुझे। मैं बोला तू ना ऐसे ना जला मत कर मेरी तरक्की से, तरक्की नहीं बराबरी कर मेरी। अभी देखो रुक जाएगी गोलू, रुकेगा। रुक गया। समर वैकेशन में धुल गए मेरे सारे शू, नंबर है 2। न्यू यूनिफॉर्म आ गई, न्यू नोटबुक आ गई, न्यू शू धुल गए, बैग न्यू आ गया, बस मेरा होमवर्क ही नहीं हो रखा, बाकी मैं पूरी तैयार हूँ। अभी अपने ऐसे जैसे समर वैकेशन कंप्लीट हो जाएगी मैं ऐसे चली जाऊंगी। अभी देखो ये घूम रहा है। रुक जाएगा। रुक गया। मुर्गी की क्या नहीं है कैसे? मैंने बोला आज तक आपने मेरे को अंडा ही दिया है, पेपर में कभी मुर्गी भी दे दो हम बोल देंगे मुर्गी आ गई। कुछ नहीं, उसके बाद मैडम ने मेरे को बदतमीज कहा और उसके बाद क्लास से बाहर निकाल दिया। मैंने बोला मैडम भी जलती हैं मुझसे, देखो बिल्कुल भी ऐसे कैसे कर लेती है। रुक गया। बीच क्लास में चिल्ला के रमन बोला नंबर 16। मैंने बोला रमन व्हाट आर यू डूइंग, नो मैनर्स। उसे इंग्लिश समझ में नहीं आई, थैंक यू और मेंशन नॉट करने लग गया। मैंने बोला रमन सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मतलब दिस इज इंग्लिश एंड यू आर माय फ्रेंड ओनली, तो मैं आपको अच्छी बातें ही बताऊंगी, तो प्लीज मेरे साथ इंग्लिश में बात किया करो। अभी ये गोलू घूम रहा है। रुक गया। बंटी और मेरी फ्रेंडशिप है इज लाइक 1 और 11, नंबर है 12। ऐसी फ्रेंडशिप देखने को मिली थी जमानों पहले जब बंटी और मेरा पुनर्जन्म हुआ था, उसके बाद अब देखने को मिली है, उसके बाद हमारे अगले जन्म में देखने को मिलेगी, वो भी सिर्फ हमारे द्वारा और किसी के द्वारा नहीं, द्वारा भी नंबर ऐसे गोलू घूम रहा है। रुक गया। कल का प्लान कर लो डन, नंबर है 51। ब्रेनबाजी में होगा महा मुकाबला, सारे सवाल होंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के रिलेटेड, और अगर आप जीत गए ना तो ऐसे मैच तो आप जीत ही जाओगे, प्राइज मनी में से अपना हिस्सा भी जीत जाओगे, लेकिन साथ के साथ आप डाइन आउट के फूड वाउचर भी जीत जाओगे, और अब भी जीत जाओगे क्योंकि अगर अभी गोलू आएगा घूमेगा रुकेगा रेड है इसमें, येलो है इसमें, रेड है इसमें,
इसमें येलो है, इसमें ब्लैक भी है, देखो इसमें नंबर आ गया। गर्मी है, बच के रहना फ्रॉम सन, नंबर है 31। इतनी गर्मी है, मेरे को भगवान जी को कॉल करना पड़ा। मैंने कहा भगवान जी यार व्हाट आर यू डूइंग गॉड से कि सॉरी अभी मैं ऐसा बिल्कुल ठंडी कर दूंगा, टेंशन मत ले तृप्ति, तू टेंशन। मैं कहा नहीं, गर्मी अगर आपने कर दी तो ऐसे भी भिजवा दो ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे ध्यान रखो अपने बच्चों का। मैं कहा ओके ठीक है। बाजी नाउ में गेम्स खेलते हैं आप, लाइव नंबर है 65। वैसे कुछ मैंने नया बताया नहीं है आपको पहले से ही पता है, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन जो होती है उसको रिपीट करती हूँ ताकि रिविजन होता रहे। जैसे मैडम हमको 10 ऐसे बोलते हैं ना कि अरे तुमने ऐसे स्पेलिंग गलत लिख दिया एग्जाम्पल की। मैंने बोला मैडम एग्जाम्पल दिया जाता है, उसकी स्पेलिंग लिखवाई नहीं जाती है। समझ में नहीं आती मैडम को मेरी बात। अभी रुक गया। गर्मी वेकेशन बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, यही है मेरा नारा, नंबर है 11। इतनी गर्मी में कौन स्कूल जाएगा, मैं तो बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला कि प्रिंसिपल मैम सुनो मेरी बात, अक्टूबर में शुरू करना है स्कूल, तब तक मौसम ठीक हो जाएगा, मेरा भी मूड थोड़ा सही हो जाएगा, 8-10 वेकेशन मैं भी मार कर आ जाऊंगी। मैडम ने बोला तृप्ति तुम स्कूल क्यों नहीं छोड़ देती। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, संडे को महामुकाबला खेलने के लिए नहीं होना लेट, नंबर है 60। बिल्कुल लेट मत होना, बिल्कुल 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 भी लेट मत होना, क्योंकि सारे सवाल होंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड, और 8:30 बजे खेलने के लिए आ जाना। देखना आप पहले आओगे या मैं आऊंगी पहले ब्रेनबाजी में खेलने के लिए, देखते हैं हम, देखते हैं, रेस लगाएंगे। नंबर आलिया दीदी के साथ गई मैं ऑनलाइन, नंबर है 29। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, सही बोल रही हूँ। कभी ना कभी एक बात बताओ, आपके साथ भी तो ऐसा हुआ होगा ना कि आप भी ऑनलाइन आओ, आपका कोई दोस्त भी ऑनलाइन आए, गॉड भी ऑनलाइन आए, आलिया दीदी भी ऑनलाइन आए, सब दीदी ऑनलाइन आए, ऑनलाइन आए। देखो अभी बाय। गर्मी में भी विधि दीदी है फाइन, नंबर है 59। अंदर की बात बताऊ, पानी भी नहीं पीती है, खाना भी नहीं खाती है, सुपर वुमन है, सीक्रेट है। अरे उड़ करके चली जाती है यार, ऐसे गेम खिलाती है और बोलती है वू और उड़ गई चली जाती है। मैं बोलती हूँ दीदी मेरे को भी कभी ले जा लिया करो कंधे में बिठा करके, मतलब ऐसे अलग अलग अकेले बिल्कुल उड़ रहे हो आप। नंबर आ गया। माई इंग्लिश इज बिग ग्रीन ट्री, नंबर है 63। किसी की पहुंच में नहीं आती है पर सबको छांव दे देती है, मतलब ऐसे बिल्कुल छांव। अभी मेरी ऐसे इस ट्री में ना मैं बहुत सारे फ्रूट्स उगाऊंगी, इसमें मैं उगाऊंगी तरबूज, इसमें मैं उगाऊंगी मैंगो, इसमें मैं उगाऊंगी वाटरमेलन, इसमें मैं उगाऊंगी मस्त मेलन। हैं गलत बोल रही हूँ, आप गलत बोल रहे हो। पोस्ट से पहले आता है प्री, नंबर है 43। दिस इज हाउ इंग्लिश वर्क्स। अब देखो अपने हिसाब से आप कुछ भी कर लो, पर इंग्लिश में ना यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि प्री से पहले अगर आपने पोस्ट बोल दिया तो आप गलत हो जाओगे, अगर आपने प्री से पहले भी प्री बोल दिया तो आप एक्स्ट्रा गलत हो जाओगे, तो आपको ऐसे केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे अभी आप नंबर ऐसे दबाओगे और सुनने में आया है उमा ने कोशिश करी मेघा मैडम को देने की ब्राइब, नंबर 85। मैंने बोला उमा से आगे ब्राइब नहीं, एटीट्यूड लाओ, उसके बाद मेघा मैडम के पास जाओ। मतलब आपको अगर ऐसे टीचर के पास जा रहे हो तो एटीट्यूड लेकर के जाओ। हाँ, और बिल्कुल ऐसे डरना नहीं है कि मैडम मार देगी, क्योंकि वो मारेंगी ऑब्वियसली, आप एटीट्यूड लेकर के जा रहे हो। अभी नंबर आ गया। लेट नहीं होती मम्मी पीने में टी, नंबर है 80। कभी लेट नहीं होती, इतनी पर्टिकुलर है। अमिताभ बच्चन ने लेटर लिख दिया था मम्मी को कि मैं बहुत ऐसे शुक्रगुजार हूँ कि आप बिल्कुल है पर्टिकुलर, और सबको लेटर लिखते रहते, पता नहीं मुझको कब लिखेंगे। अभी देखो ऐसे गोलू घूमेगा, रुकेगा। कल चलेगी ब्रेन बाजी में एक ही ट्रिक, नंबर है 66। अब आप बोलोगे क्या ट्रिक है, सारे देख लो इंडिया पाकिस्तान के मैच, क्योंकि कल वैसे ही वहीं से पूछे जाएंगे सारे सवाल। तब मत बोलना तृप्ति ने नहीं बताया, क्योंकि तृप्ति ने सब बता दिया। अभी देखो 16 जून आपको इतना बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर स्टेडियम में ये लगा हुआ है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा होगा, अभी चक्री दिख रही होगी ऐसे। रहोगे खुश अगर करोगे समोसे का सेवन, नंबर है 27। मतलब हेल्थ का ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट है, पर मन का ध्यान रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मन का ध्यान रख लिया तो आप जीवन में खुश रहोगे, और अगर आप खुश रहोगे तो आप समोसे खाओगे, अगर आप समोसे खाओगे तो आपको मजा आएगा, अगर आपको मजा आएगा तो आपके मन का ध्यान होगा, और अगर आपके मन का ध्यान होगा तो
मजे आएंगे, नंबर आ गया है। महामुकाबला खेलने आना कल ऑन बेंगबाजी, नंबर है 73। अब आप बोलोगे तृप्ति कितना बताएगी, कितना बताएगी? मेरा काम है बताना, मेरा काम है। कल को आप ये नहीं बोल सकते ना तृप्ति ने तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, कोई इन्फो। अरे मैं बता रही हूँ आपको, कल सारे सवाल इनसे होंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड होंगे। तब ऐसे आप आओगे, जीतोगे और फिर बोलोगे अभी नंबर टाइप करो। बोला मैंने सचिन तेंदुलकर को श्री, नंबर है 23। और मैं जब श्री बोला तो मैं ऐसे ऐसे झुक कर, उन्होंने बोला अरे इट्स ओके वी आर लाइक फ्रेंड्स। मैंने बोला नो 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 यू गॉट क्रिकेट ऑफ। उन्होंने बोला ओके 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 योर इंग्लिश वेरी गुड। मैंने बोला थैंक यू मेंशन नॉट, सेम टू यू बैक टू यू रेड क्रॉस। अभी देखो ऐसे नंबर ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, रुक गया। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बोलते हैं मेट, नंबर है 38। अरे कुछ नहीं, एक बार ऐसे में बिल्कुल ब्रैटफिल्ड से मिलने के लिए गई और उसके ब्रैटली से मिलने के लिए गई तो उन्होंने ऐसे बोला मेट मेट आधे टाइम तक तो मुझे समझ में नहीं आएगा, अरे भैया बिल्कुल ऐसे गलत नाम क्यों ले रहे हो आप मेरा। उसके बाद उन्होंने बोला तृप्ति ऐसा हम बोलते हैं, ऐसे ही हम बोलते हैं। मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, अभी नंबर आ गया। किया मैंने पेंट अपने घर का गेट, नंबर है 88। ऐसा नहीं है कि कभी मेरे पापा ने या कभी मेरी मम्मी ने वो पेंट नहीं करवाया था अपना गेट, लेकिन मैंने सोचा एक्स्ट्रा क्रिएटिव होते हैं तो मैंने आम की गुठलियाँ ली और ढेर सारा मैंने तेल लिया, उसमें मैंने आटा डाला, उसमें मैंने चावल डाले और बची हुई रात की दाल डाल करके पेंट कर दिया, बिल्कुल पेंट कर दिया। मम्मी कह रही बड़ी क्रिएटिव है मेरी बच्ची। ट्रंप ने किया क्वीन के साथ डाइन, नंबर है 89। देखा मैंने न्यूज में देखा था मैंने, आई ऑल्सो मीट वन डे क्वीन से, आई ऑल्सो मीट एंड आई विल इम्प्रेस हर विद माई इंग्लिश विच इज ताबड़तोड़। ऐसा ऐसा इंग्लिश बोलूंगी ना, क्वीन बोलेंगी कि अरे कहाँ थी आप इतने टाइम तक, कहाँ थी तृप्ति, कहाँ थी कहाँ थी कहाँ थी कहाँ थी कहाँ थी। अभी देखो आप बोलोगे कि अरे तृप्ति कहाँ थी का क्या मतलब। अभी मैं आपको बताती हूँ, आपने इतने सारे नंबर्स टैप कर लिए तो अभी 206 लोग जीत चुके हैं, टॉप रो 29 लोग जीत चुके हैं, मिडिल रो और बॉटम रो जीत चुके हैं 15 लोग। तो आप सबके लिए क्या करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे करेंगे। अभी पीछे गई थी तो वापस भी आऊंगी ना। अभी देखो ऐसे गोलू आएगा आएगा घूमेगा 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 घूमेगा। और अभी देखो अभी अगर ओ जाओ मत आप में से, अरे बैठो बैठो अभी जाओ मत। अभी देखो गोलू घूम रहा है, डेट मीन्स अभी गेम चालू है ना यार, आपको तो पता है। अभी देखो गोलू घूमे, रुक बैट्समैन लेते हैं रन, नंबर है 81। ऑब्वियसली बैट्समैन रन लेते हैं, बॉलर रन देते हैं, फील्डर रन बचाते हैं, ऑडियंस मचाते हैं। अब आप बोलोगे क्या मचाते हैं, क्या बोल रहे हो, क्या बोल, अरे शोर मचाते हैं ना, ऐसे रन ले लिया रन दे दिया तो ऐसे शोर मचाते हैं ना, जैसे कल आप लोग मचाओगे ये जीत गया जीत गया। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच है क्या बात, नंबर है 60। देखा अभी मैच चल रहा है पता है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई, स्नैक्स खा लिए, इतने सारे समोसे खा लिए, जलेबी खा ली, ऐसा आम पापड़ खा लिया, आम पन्ना पी लिया, सब कुछ खा लिया। एक्चुअली मैं खाने के लिए बैठी थी वहाँ पे। कल मैं देखने के लिए बैठूंगी, खाने के लिए बैठूंगी और जीतने के लिए बैठूंगी आप लोगों की तरह। अभी देखो ऐसे एक एक नंबर पर आकर रुकेगा, रुक गया। पानी में डालो चीनी सॉल्ट एंड लेमन, नंबर है 47। गर्मी इतनी सारी है, मतलब गर्मी से बचने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना, तो सिर्फ पानी नहीं गाइस, नींबू पानी पियो और बहुत सारे संतरा पानी भी पी सकते हो, आम पानी भी पी सकते हो, गाजर पानी भी पी सकते हो, मूली पानी भी पी सकते हो, आप लोग आटा पानी भी पी सकते हो, पानी 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 पी सकते हो। अब नंबर आया, नहीं करना चाहिए किसी को भी वेट, नंबर है 58। अगर कोई आपसे वेट करा है तो आप बोलो I have time, my time wasting, बोल दो। मैं तो कभी भी अपना ऑटोग्राफ देने के लिए किसी को वेट नहीं कराती हूँ, कभी कभी तो लोगों को पता ही नहीं होता लाइन में क्यों लगे, मैं बोलती हूँ मुझे पता है आप लाइन में क्यों लगे हो मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए, दिखाओ हाथ दिखाओ। कभी कभार वो पेन पेपर कुछ नहीं लाते, मैं उनके मुंह में ऑटोग्राफ देती हूँ। अभी नंबर आ गया, 5 life lesson डाली दीदी प्री, नंबर है 3। मैंने कल देखा इंस्टाग्राम में दीदी प्रियंका दीदी की ऐसी नोटिफिकेशन आई, उन्होंने बोला था उसमें 5 life lesson। मैंने डायरी लेकर के बैठ गई, मैं मेरे को लगा दीदी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट समझाएंगी, इंग्लिश में बोलने लग गई यार, इंग्लिश में क्यों बोलने लग गई। अबे लाइफ लेसन आप हिंदी में भी तो बता सकते हो, नंबर हो गया। भाई ने नहीं आने दी मुन्नी पर आज, नंबर है 5।
मुन्नी को चिकन खिलाया, मटन खिलाया, डांस कराया, गाना गवाया और एंड में तो मुन्नी भी बोल गई मामा मामा और भाई को इतनी भीड़ में सुनाई दे गई मुन्नी की इतनी छोटी सी आवाज। अभी देखो नंबर रुकेगा, रुक गया, नंबर बचे हैं प्लेंटी, नंबर है 20। कोई भी नंबर रह जाए ना तो बोर्ड हिस्ट्री में जाकर के सारे नंबर टैली कर देना और उसमें क्लिक कर देना और कोई भी ऐसे नंबर पे क्लिक मत करना जो मैंने नहीं बोला, खतरा हो जाएगा, बोगस क्लेम हो जाएगा, तब मत बोलना तृप्ति ने नहीं बताया, बिल्कुल मत करना, 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 रुक गई। हंसती हूँ मैं तो आती है शाइन, नंबर है 49। एक बार तो लाइट चली गई थी पता है कॉलोनी की, सारे अंकल आ गए, शर्मा अंकल आ गए, वर्मा अंकल आ गए, खान अंकल आ गए, मेरे को बोल रहे टिप्टी प्लीज जल्दी से स्माइल कर, जल्दी से स्माइल कर। मैंने बोला ओके, फिर मैंने क्या ई लाइट आ गई एकदम से, बिल्कुल ऐसे शाइनी स्माइल है मेरी। अब एक नंबर आता है करना मुझे मैट्रिक्स, नंबर है 26। एक बार स्कूल में पता है विलन आए थे, मैंने अक्षय कुमार को बोला कि भैया आप लोगों को संभालो, मैं इन लोगों को संभालती हूँ। थोड़ी देर में मैं अंदर आ गई, अक्षय भैया बोल रहे हैं क्या किया तुमने, क्या किया? मैंने बोला भैया क्या किया नहीं, भगा दिया सबको, सब गए, गॉन, गो, वेंट, आउट, ऑल आउट। अभी देखो नंबर आ गया, चंचल है मेरा मन, नंबर है 71। अग्रवाल अंकल की बेटी नहीं, नहीं उसका नाम भी चंचल है लेकिन मेरा मन चंचल है, माय मन चंचल। अरे मैं एक जगह नहीं रह पाती हूँ, अरे नो मतलब मैं ऐसा बिल्कुल सुपर हीरो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं चंचल मन है मेरा, ऐसे लोग कहते हैं मुझको। अभी देखो नंबर पर आकर के रुकेगा 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 रुक गया। परी हूँ मैं फ्रॉम हेवन, नंबर है 37। और आप बोलोगे अरे तृप्ति कैसी बातें कर रही है, कैसी बातें, तू तो इंसान जैसी लगती है। ऑब्वियसली ये किसी को मैंने बताया नहीं है, बस आप लोगों को वो बताया, किसी को मत बताना क्योंकि बहुत बड़ा सीक्रेट है। और अभी आप इतने सारे आपने नंबर्स ऐसे क्लिक किए क्लिक किए क्लिक किए तो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि कौन कौन जीत चुके हैं। अभी 607 जीत चुके हैं टॉप रो, 597 लोग जीत चुके हैं मिडिल रो, 639 लोग जीत चुके हैं बॉटम रो और पुल हाउस प्लस रो। कितने लोग जीत चुके हैं, कितने 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 140 के 140 लोग जीत चुके हैं। तो आप सबके लिए सेलिब्रेशन तो बनती है, देखो जी आए अभी देखो आप ऐसे बिल्कुल जीत गए हो तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से बताना चाहूंगी कि कल महामुकाबला है तो खेलने के लिए आ जाना। देखो फर्जी दीदी ऐसी बॉल नहीं घुमा रही है, इनके बॉल घुमाने के पीछे मकसद है आप लोगों को जिताने का, तो कल खेलने के लिए आ जाना ब्रेनबाजी में। और डाइन आउट की तरफ से वाउचर्स भी जीत सकते हो आप लोग, 8:30 है मैच तो कल आ जाना बिल्कुल। और अभी आप सबके नाम पढ़ लेती हूँ, लक्ष्मण, जानकी, शशि, राजेश, दीपक, राजा, रासो, दाम, सिद्धि, विनो, सोनू, पोल। अभी देखो आप लोग ऐसे जीत गए हो तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप नहीं जीते तो आप कल अभी आगे आने वाले मैच में भी जीत सकते हो, कल तो ऑब्वियसली आप जीतोगे लेकिन आज के आने वाले मैच में भी। अब आप बोलोगे मैच, क्योंकि मैच का माहौल है गाइस, गेम में जीत सकते हो आप। देखो अभी आप 8:30 आ जाना ब्रेनबाजी खेलने के लिए और उसके बाद अब आ जाना 9:30 पोलबाजी खेलने के लिए और कल के गेम, कल आप 4:30 फिर से खेल सकते हो और 8:30 फिर से खेल सकते हो और कल आप जीत भी सकते हो। देखा, आई एम गोइंग guys for my training samosa eating competition, will meet you soon.